हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का बैंकिंग डिजाइन पे। सो एग्जामों का दौर स्टार्ट हो चुका है, जैसा कि अरबी क्लर्क प्री एकेडमी का डाट हो चुका है आपको पता है, और फिलहाल मैं अभी अरबी क्लर्क प्री का ही मॉक लगा रहा हूँ। और हर मॉक में मेरी कोशिश रही है कि मैं कम से कम 70 स्कोर कर पाऊँ, क्योंकि 70 यहाँ पे स्कोर करूँगा तभी एग्जाम में कुछ हो सकता है, क्योंकि रियल एग्जाम में तो कट ऑफ पता है। लास्ट ईयर बिहार की 23 कट हुई थी, तो कल मैंने मॉक नंबर 2 लगाया था, पहला ही मॉक मैंने लगाया था। और उसमें देखिए यहाँ पे मेरा जो स्कोर बना 62.75 और परसेंटाइल 91.62, और यहाँ पे जो कट ऑफ थी ओवरऑल 71.25 थी कट ऑफ, ये अभी दिखा नहीं रहा। और ओबीसी का 69.5 था, ठीक है। और यहाँ भी मेरा मतलब कर सकते सपना मेरा चुटचुर हो गया, मैं 70 स्कोर नहीं कर पाया। और ओवरऑल की बात करें तो टोटल क्वेश्चन मैंने 69 अटेम्प्ट किए थे, रीजनिंग में 39 और 3 गलत हो गया, स्कोर बन के आ गया 35.25। क्वांट में 30 अटेम्प्ट किए थे और 2 गलत हो गया, स्कोर कट के आ गया 27.5। तो इसमें तो मेरा नहीं हो पाया कि 70 स्कोर कर पाया मैं। उसके बाद मैंने आज एक मॉक लगाया था ग्रेड अप का ही है, जो कि अब 22 है, तो यहाँ पे मैंने स्कोर किया दूसरे मॉक में 66.5, और यहाँ भी मैं कट ऑफ चुक गया। यहाँ पे ओबीसी कट ऑफ थी 69 और जनरल की ओवरऑल कट ऑफ थी 71, परसेंटाइल हालांकि 92.36 बना है। टोटल क्वेश्चन आज भी मैंने 69 अटेम्प्ट किए थे, पता नहीं 69 से ऊपर मेरा अटेम्प्ट ही नहीं हो पाया, और आज 2 क्वेश्चन मेरे गलत हो गए। ओवरऑल सेक्शन की बात करें तो रीजनिंग में टोटल 39 किए थे मैंने अटेम्प्ट, और 39 में मेरे 2 गलत हो गए, स्कोर घट गया 63.36.5, ठीक है सॉरी। और पॉइंट में 30 अटेम्प्ट किए थे, आज एक भी गलत नहीं हुआ, 30 का 30 सही स्कोर हो गया। तो यहाँ पे आज भी मेरा सपना चूर चूर हो गया, मैं 70 स्कोर नहीं कर पाया। मेरी भरसक प्रयास रहती है कि मैं जब भी मॉक लगाऊं एटलीस्ट कम से कम अरबी क्लर्क की, तो स्कोर कम से कम 70 होना चाहिए, क्योंकि मॉक में अगर आपका 70 स्कोर आ रहा है तो एग्जाम में आराम से 75 या 76 स्कोर कर सकते हैं। तो यही था, और बाकी आप लोग का कितना स्कोर आ रहा है आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा, और बाकी पढ़ते रहिए, खुश रहिए।